इच्छा मेरे सामने आकर खड़ी हुई। उस गुप्त इच्छा का बाहर आने का कारण था कि मेरी सहेली विदेश से आई थी और उसने मुझे मॉल में मिलने बुलाया। मैं तो ठीक समय पर आ गई, लेकिन उसका फोन आया और उसने बताया कि उसको आने में अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। डरने का प्रश्न था। विंडो शॉपिंग की मुझे आदत नहीं, क्योंकि मेरे बचपन में ये कल्चर था ही नहीं, बल्कि बिना कुछ लिए यदि दुकान के सामने कोई खड़ा रहता तो भड़क दिया जाता है, क्योंकि ऐसी ताकझांक करना अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा ये मेरा बस की बात नहीं थी। मुझे मालूम था कि यदि मैं बिल्कुल निकम्मी खड़ी रही तो निश्चित ही आने जाने वाले को घूरूंगी और शहरी सभ्यता के जो दृश्य मुझे दिखेंगे उससे मेरे चेहरे पर गंवारपन झलकने लगेगा। एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। मैं मॉल में खड़ी थी, वहीं एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़े थे। मैं मुंह खोले उन्हें एक तक निहार रही थी। लड़का समझदार था और डरपोक भी नहीं था। मेरे घूर कर देखने से वह जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उस लड़की से लिपटे रहकर ही उसने कहा, क्या देख रही हो आंटी? मैं अवाक रह गई स्वयं के संकीर्ण विचारों पर और उसकी निर्भीकता पर। ऐसा कठोर अनुभव मुझे फिर से नहीं चाहिए था। दिल पर पत्थर रखकर पेय पदार्थ का कूपन लिया। अब चूंकि कूपन मेरे हाथ में था, अतः